चल ठीक है, तो ये बता अल्फाबेट बी हमेशा कूल क्यों रहता है? बता बता। हो तुम दोनों? ओ हाय पिंकी, आई एम रॉकिंग जस्ट लाइक ऑलवेज। यो यो यो। ओ हाय पिंकी, आई एम स्टूडियस जस्ट लाइक ऑलवेज। तुमने अपना होमवर्क किया? यार मैं क्या बोलूं यार, मैंने लर्न तो किया है बट आधा ही लर्न किया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आज टेस्ट है, पता नहीं कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे ऑपोजिट्स कंफ्यूज हो जा रही हूँ मैं। अ हाफ मैंने लर्न किया, उसके बाद से मैं बिजी हो गई। रोमा एंड डायना आ गई नई एपिसोड्स के साथ, एंड यू नो आई लव देम। मुझे वो बहुत पसंद है देखना। मैंने देखा उनके नए टॉयज, उनके नए बेड्स एंड ऑल द बैग्स, पर्सेस, यू नो द गर्लीज थिंग्स। आई लव टू वॉच देम। मैं क्या करूँ यार, अब पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं। ओ यार पिंकी, मैं समझता हूँ यार, हो जाती है दिक्कत यार। मैंने तो एक सेकंड भी पढ़ाई नहीं करी है। तू तो जानती है मैं मिस्टर बीस्ट का कितना बड़ा फैन हूँ, पूरा टाइम मेरा उसी में चला गया। अब पता ही नहीं क्या होगा। ओ यार क्या बताऊँ तेरे को, इतना मस्त एपिसोड था ना मिस्टर बीस्ट का। $5 लाख का चैलेंज था पूरा का पूरा, और करना कुछ नहीं था। 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा था, और सारों को एक क्यूबिकल्स में रहना था। जो सबसे लास्ट में निकलेगा वो विनर हो जाएगा। अरे यार मैं तो सोच रहा था यार, मेरे को क्यों नहीं बुलाया? आई विल बी द विनर, यू नो ना हाउ रॉकिंग आई एम। यार बताओ, ये लोग विनर को बुलाते ही नहीं है। मैं पूरी रात में सोचते सोचते बिता दिया यार। $5 लाख का लॉस हो रखा है मेरा, और ये ऑपोजिट्स का क्या ही है यार, न्यू ओल्ड बिग शॉट, क्या ही करना है मेरे को। मेरे को सब आता है, मैं तो हमेशा विनर ही बनता हूँ, यू नो ना। बी विथ मी, आई विल बी रॉकिंग एज ऑलवेज। ओ तेरी क्या बात कर रहे हो, तुम दोनों में से किसी ने भी ऑपोजिट्स नहीं लर्न किए? यू नो ना आज टेस्ट है। खैर चलो, पिंकी के सेक्शन की टीचर तो फिर भी थोड़ी इजी गोइंग है, हमारी मैम ने तो हमारे बजा देना है। करना कान पकड़ के उठक बैठक, मेरे को तो बहुत दिक्कत होती है उठक बैठक करने में, पीठ दर्द कर जाता है यार। इसलिए मैंने तो यार कैसे भी घीस पर सीट कर लर्न कर लिया है, बस भगवान बचा ले। जस्ट चिल ब्रो, रिलैक्स रिलैक्स, यू नो ना आई एम अ रॉकिंग बॉय। कुछ नहीं होना है मेरा क्लास में, तू समझ रहा है ना, मैम लव्स मी लव्स मी। और तेरे जैसे किताबी कीड़ों को मैं क्या ही बोलूं? मैं हूँ रॉकिंग पांची, जो बजा देगा सबकी घंटी। पढ़ना क्या, लिखना क्या, किताबी कीड़ा बनना क्या, मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, और मुझे अब करना क्या है, इसमें बड़ा ही फन, पढ़ने में निकले है दम। यार बंटी तू तो बड़ा ही कूल है यार, तेरे को टेंशन फ्री देख के मेरी भी टेंशन दूर हो गई यार। ओ यार बंटी तू तो इतना ही कूल है, तो मेरी एक पहेली सॉल्व करके दिखा। तुझे कूल बंटी के इंटेलिजेंस पे डाउट है? चल पूछ। चल ठीक है, तो ये बता अल्फाबेट बी हमेशा कूल क्यों रहता है? बता बता। ये क्या क्वेश्चन हुआ, अल्फाबेट बी कूल क्यों रहता है, बी ठंडा क्यों रहता है? यार बी को ठंड क्यों लग रही है यार? यार चल तू ही बता दे। यार बंटी तू भी तो कूल रहता है, अप्लाई योर ब्रेन यार। अल्फाबेट बी इसलिए कूल रहता है क्योंकि वो एसी के बीच में रहता है, यू नो एसी, एयर कंडीशनर।